सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रहीम यार खान की तरफ से 336 खाली असामियों पर भर्ती के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया है, जिसमें कैटेगरीज को नजरअंदाज करते हुए खाकरोप की 16 असामियां अकलीती कोटे में डाल दी गई हैं, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए चेयरमैन मसीही तहरीके मेदारी डॉक्टर आदिल गौरी ने मियाँ अनिल रफीक एडवोकेट हाईकोर्ट को वकील मुकर करके सेक्रेटरी तालीम पंजाब मुतलका डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर एजुकेशन रहीम यार खान को लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। अंदरे सात यौम शिकायत का अजाला न हुआ तो हाई कोर्ट से रजू करेंगे, जिसके लिए वुकला के पैनल शाहिद सुलहरिया एडवोकेट मियां अनिल रफीक एडवोकेट इमैनुअल नवाब एडवोकेट फरार रॉबर्ट गिल एडवोकेट आकाश भट्टी एडवोकेट साबिर रंधावा एडवोकेट और विक्टर अमानत एडवोकेट को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।